भीम आर्मी के प्रमुख, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदाब समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी पर जानलेवा हुए हमले के विरोध में आयोजित इस प्रोटेस्ट होने में हमारे बीच में उपस्थित हमारे नौजवान क्रांतिकारी साथी हरी चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे बीच उपस्थित दिल्ली के पूर्व मंत्री जय भीम मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई मंजूर अहमद साहब जी, साथ मंच पर बैठे हुए विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिवगण पदाधिकारी साथीगण, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेता साथियों, और आज यहाँ पर जंतर मंतर मैदान के अंदर जंतर मंतर के चारों ओर पूरा का पूरा हुआ है वो बिल्कुल नीरा हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ, आज केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार एक साजिश के तहत दलितों आदिवासियों पिछड़ों पर जानलेवा हमला कर रही है। यही नहीं, जहां एक ओर संविधान द्वारा प्राप्त संवैधानिक आरक्षण का कल जो 12 साल डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए देने का काम किया था, ये डबल इंजन की भाजपा सरकार उस आरक्षण को भी खत्म करने पर पूरी हुई है। आज जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है, ये दलितों आदिवासियों पिछड़ों की आवाज को दबाने का एक दुस्साहस किया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और साथ ही साथ मैं चेतावनी देना चाहता हूँ भाजपा सरकार को कि आप गोली चलाकर लाठी डंडे चलाकर दलितों की जुबान पर ताला नहीं लगा सकते हो, आदिवासियों के हक पर डकैती नहीं डाल सकते हो, पिछड़ों के सम्मान को कुचल नहीं सकते हो। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी जब इन पर जानलेवा हमला हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने इस घटना की घोर निंदा की थी। हमने भी उत्तरायण आजाद जी से दूर भाग कर भागा कर हर साल जारी थी और साथ ही साथ शीघ्र से खोलने की कामना भी की थी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आज दलितों के पिछड़े को हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसी का नतीजा है कि हमारे आदिवासी दलितों पिछड़े समाज में बड़े से बड़े नेताओं को अपमानित करने में इनको रंग माधुरी शर्म नहीं आती है। आपने देखा आदिवासी समाज की महिला जो देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी जिस तरीके से मंदिर में जाकर के जाने से रोकने का हिरोना काम किया है, ये राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान नहीं है, ये देश के दलितों का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है। माननीय रामनाथ कोविंद जी, उनको भी राजस्थान के पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में अंदर जाने से रोक दिया गया था। आज राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए हमारे दलित और आदिवासी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपमानित करने में घरों में छूट करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं कह देना चाहता हूँ, जब किसी मच्छर को मरने का समय आता है
छह सौ